फिल्म काली के पोस्टर लॉन्च के बाद विवादित जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं, विवाद लगातार बन रहा है। आलम यह है कि इस पोस्टर से लेकर टीएमसी सांसद के बयान से टीएमसी ने भी किनारा कर लिया है, यानी टीएमसी सांसद के बयान से टीएमसी पार्टी ने तक किनारा कर लिया। वहीं इस फिल्म को लेकर रांची के कोतवाली थाने में हिंदू धर्मावलंबियों और पूजा समितियों के लोगों ने फिल्म निर्माता पर FIR दर्ज की। वहीं उन्होंने कहा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने का हक नहीं। फिल्म को रांची में चलने नहीं दिया जाएगा, इसे लेकर थिएटर मालिकों से भी बात की जाएगी। वहीं टीएमसी सांसद के बयान और शशि थरूर के सपोर्ट का भी हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किए हैं, अपना फिल्म को चलाने के लिए इस तरह से धर्म साथ में मजाक किया है। और माँ काली जिसको हम आस्था में पूजा करते हैं, माँ काली पूरी दुनिया का सृष्टि किया गया है, उसी के खिलाफ लोग मजाक उड़ाए। हम लोग ऐसे व्यक्ति में चाहे वो जो कुछ भी पते रहा हो, चाहे की हो, MLA हो, चाहे जो भी रहे, जो भी गलत काम किया उसको हम लोग FIR करवाए हैं, FIR करके उसको गिरफ्तार के मांग करें और उसका फिल्म रांची शहर में हम लोग चलने नहीं देंगे। सभी होस्टेलेंगे उसका फिल्म नहीं लगा दें, अगर लगा तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हम लोग सब सिनेमा को चलने नहीं देंगे, जब तक वो माफी मांगे उसको जेल जाना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। जिस प्रकार से जो लघु फिल्म बनाई गई है और आपत्तिजनक जो पोस्टर जारी किया उसके विरोध में हम लोग FIR दर्ज कर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज देश में सोची समझी साजिश के तहत देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, ऐसे फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे पोस्टरों को जारी किया जा रहा है जिससे सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत किया जाता है, इसका खिलाफत हम लोग करने के लिए आगे आएगा। देखिए आज पिछला जो भी किया धरा था उससे उनको सबसे लोकप्रियता मिलती है और हम लोगों ने कभी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिसका ये नतीजा है कि आज टोरंटो में बना हुआ फिल्म और यहाँ पे आके सबसे लोकप्रियता के लिए हमारी देवी आराध्य देवी के लिए इस तरीके का आपत्तिजनक उन्होंने जो पोस्टर लॉन्च किया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आके हम लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया है और अभिलंब उनके लिए हम लोग चाहते हैं गिरफ्तारी की मांग हो और उनको कुछ ऐसी सजा मिले जिससे आगे इस तरीके का कार्य करना बाकी जो तमाम फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उनको एक सबक मिलना चाहिए।